इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय क्रिकेट से है। आपको बता दें कि स्टार भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मतपुर झाल के पास उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ऋषभ पंत को काफी चोट लगी है। आपको बता दें कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि उनकी हालत नाजुक हो गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। सिर, पीठ और पैर में चोट लगी है, जिसके बाद ऋषभ पंत को दिल्ली रेफर किया गया है। आपको बता दें कि वो अपनी कार BMW खुद ही ड्राइव कर रहे थे, तभी डिवाइडर से टकराने के बाद उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और कार में आग लग गई, जिसमें ऋषभ पंत काफी चोटिल हो गए। आपको बता दें कि उनकी कार रेलिंग से भी टकराई, जिसके बाद कार में आग लगी। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल ऋषभ पंत को आनन फानन में दिल्ली रोड स्थित सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद ऋषभ पंत को दिल्ली रेफर किया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत BMW कार से सवार होकर दिल्ली से रुड़की की ओर जा रहे थे। जब उनकी कार नारसन कस्बे में पहुंची तो कार अनियंत्रित होकर रेलिंग और खंभों को तोड़ते हुए पलट गई। इसके बाद उनकी कार में आग लग गई। तब तक ग्रामीण और पुलिस भी मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर वहां पर पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। इसके बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत को दिल्ली रोड स्थित सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत अपनी खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे, ऐसे में उनका ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है, ऐसे में अब उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने भारत के लिए 33 टेस्ट, 30 वनडे और 6 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। इसके अलावा IPL में वो दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हैं और उस टीम के कप्तान हैं। हाल फिलहाल में श्रीलंका के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, उसमें ऋषभ पंत का नाम नहीं था। तब ऋषभ पंत काफी चर्चाओं में थे और कहा जा रहा था कि वनडे और T20 से उनको ड्रॉप करने का मतलब क्या है। फिलहाल ये दुखद खबर ऋषभ पंत और भारतीय क्रिकेट को लेकर है कि ऋषभ पंत का भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें वो गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है और दिल्ली उन्हें रेफर कर दिया गया है। और पूरी दुनिया ऋषभ पंत के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रही है और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऋषभ पंत स्वस्थ होकर फिर से मैदान में लौटेंगे। फिलहाल हम भी ऋषभ पंत के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे।